जिंदगी फोन के देखो मेरे सहयोगी पौना हरी बाबा बालक नाथ जी दी। मैनू किसी ने कहा कहना यार तू बाबा बालक नाथ जी दियां भेटा गाउना है आ सानू इहदा मतलब तो दस इहदा मतलब की है। मैं कहा मतलब बाबा जी ने प्यार करने वाले दे कामां नाल ही गल है क्योंकि मैं फकीरां दे कदमां चों लई सी मैं तुहाडी रूबरू कर रहा कहिंदा इन्नियां भेटा गाउना बाबा बालक नाथ जी इहदा मतलब की है। मैं कहा मतलब वो बाबा बालक नाथ जी ने कहिंदा नहीं यार जो तू पौना हरी नू प्यार कर देना फिर सानू मतलब दस के जाई ये बाबा बालक नाथ कौन है किवें दा है की मतलब है। मैं कहा हाँ जर गल तो तेरी सही है हुण सुनो असीं की कहिंदे आ बाबा बालक नाथ बाबा बालक नाथ पर जे अलग अलग कर दिता जाए बाबा बालक नाथ कौन है बाबा बालक नाथ पर अलग अलग करो बाबा बालक नाथ ये नाम लैण वास्ते की होया हिस्ट्री सारे जाने जानते हैं हाँ जी हिस्ट्री सारे जाने जय बाबे दी हाँ तो आड़ा ही है जी हाँ हाँ बह जाओ बाबा जी आओ बह जाओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इस जहान दे विच पैदा होने का तरीका सब का एको जिहा कदे इहदे ते ना हसियो इस जहान विच पैदा होने का तरीका सब का एको जिहा ही है जिन्ने जने बैठे हैं पर यह जहान छड्डन का तरीका सब का अलग अलग है। इसे लिए भगवान श्री कृष्ण का महाराज कह गए सी कि जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान यही है गीता का ज्ञान इतने कर्मा के लेखे ने हुण सुनियो अलग कर दिता बाबा बालक नाथ हिस्ट्री की सी कहिंदे ने कि जे जिंदगी च किसी को कुछ खादा होवे ते उहनू देना पैंदा है अगर किसी को खिलाया होवे ते उहदा लेखा लैण वास्ते आउणा पैंदा जिहनू लैण देण दे मसले कहिंदे है जे किसी को खादा ते उहनू लेखा देना पैणा जे किसी को खिलाया ते कोई लेखा लैणा पैणा फिर ओह बजुर्ग जिन्हें सारी जिंदगी भोलेनाथ नूं मिलण दी खातर बताई सी जिहड़ा माता धर्मों नूं मिलिया सी जिहड़ा बजुर्ग ठंडियां पहाड़ियां कैलाश पर्वत दियां पहाड़ियां ते भोलेनाथ नूं मिलण दी खातर सारी जिंदगी बिताई जिथे उन्होंने मिले सी माता धर्मों जी वो पहला की सी बजुर्ग बजुर्ग मतलब बाबा वो बजुर्ग बाबा जिन्हों माता धर्मों ने मिलन का रस्ता दस्या सी कि गौरी कुंड उत्ते गौरा मैया जी इशनान करन आणगे एक ओही तुहानूं भोलेनाथ को लैके जाणगे। बजुर्ग बाबा गौरा मैया दे गौरा कुंड ते गए ते गौरा मैया ने की बनाया सी बालक पहला सी बाबा फिर बनिया बालक जदों भोलेनाथ ने पिट ते थापड़ा लाया ते नाथां दा रुतबा दिता एदा बनिया बाबा बालक नाथ। जकारा पौना हरी जी दा जकारा गुफा दे वासी दा। फिर जो भोलेनाथ ने रुतबा नाथां दा दिता तो कहिंदे मैं आन जान तो मुक्त होना चाहुंदा जिहदे करके अज असीं इत्थे बैठे हाँ उहदा की मतलब है। जदों भोलेनाथ नूं मिले कि मैं आन जान दे धर्म संकट चों निकलना चाहना तो भोलेनाथ जी ने कहा सी कि 12 घड़ियां जिहड़ियां माता धर्मों दे घर बिता के आए सी उहदा लेखा तां देना पैणा। फिर वह 12 घड़ियां दा लेखा 12 सालां लई देण वास्ते शाह तलाइयां पहुंचे। और तुसीं आप सोच के देखो जिहड़ा 12 घड़ियां दा लेखा 12 साल शाह तलाइयां दे सकदा है जे असी अज रूह नाल मन नाल प्यार नाल उहदी हाजरी लगा लईए ते साडे किन्ने क लेखे देण वास्ते पौना हरी आ जाएगा।